व्यापक स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं के साथ मिलकर आगे बढ़ने का और विस्तार होने का अवसर मिल रहा है। देश की यशस्वी फिल्म एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का मंच पर शुभारंभ हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय गृह मंत्री महोदय का। और आपसे निवेदन ये रहेगा कि अपने स्थान पर ही आप खड़े रहेंगे, क्योंकि इसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रगान भी होना है, इसलिए आप सभी से प्रार्थना यही होगी कि आप अपने स्थान पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। देवी सज्जनों नमस्कार। हिंदी दिवस 2024 और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। पाना पुराना है, लेकिन आजकल हमारे देश के सभी सैनिक लोग यहाँ पर मुखारी करते हैं। वो पुराने जमाने में पुराना युद्ध में कुटिया का जो पद था वो आज पर लागू हो रहा है सर। लेकिन ये चीज इन सबों को जोड़ कर ले जाने वाला एक गुरु होता है सर। गुरु जो है वो इसी की भाषा होती है सर। वो भाषा जो है एक राष्ट्रभाषा राजभाषा जो है, राष्ट्र और भाषा दोनों एक साथ जुड़ते हैं सर। बिना
संकेत तो किसी भाषा में तो देखने को नहीं मिलती है। सबसे बड़ी बात जो और है, मैं कहना चाहता हूं, तो ये कहना चाहता हूं कि नागरी के अंदर सबसे एक जो बड़ी बात यह है वो ये है कि हमारा यादगार रहेगा। चल चले मैंने सीधा ही होगा तो जितने जेवर जेवर आपके वहां लेके चला गया। See you.